देख रहे हैं चौहान वीडियोस और इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉल टिकट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अब लगभग तय हो चुका है कि जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उन सभी को एग्ज़ाम देना होगा अपना सितंबर 2020 में। तो हॉल टिकट किस तरीके से होगा, कब आएगा और उसमें क्या क्या जानकारी होती हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस समय आपके सामने है वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, इसको आप भी ले सकते हैं अगर आपने अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरा है तो, और आपका स्टेटस अपडेटेड कर दिया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहाँ पर से उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना होगा और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, जिसके बाद आपका स्टेटस आ जाएगा। जहाँ पर से आप अपने कंट्रोल नंबर पर क्लिक करते ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसमें काफ़ी तरीके की जानकारी दे रखी है और एक तरह से मॉड्यूल है आपके हॉल टिकट का। जैसा कि सबसे ऊपर ही आप देख सकते हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप है और हॉल टिकट जो है वो 10 दिन पहले आपके एग्जामिनेशन से रिलीज़ कर दिया जाएगा, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर है। यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में शुरू हो रहा है तो अगस्त के लास्ट वीक में आपके पास आपका एग्ज़ाम का हॉल टिकट या जिसको एडमिट कार्ड भी कहा जाता है वो आपके पास होगा और आप ऑनलाइन उसको निकाल पाएंगे पूरे सितंबर के महीने में भी और अगस्त के महीने में भी जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ऑनलाइन उसको आप निकाल पाएंगे और वो कब रिलीज़ किया जाएगा, अगस्त के लास्ट वीक तक आपके लिए रिलीज़ किया जाए, 10 दिन पहले एग्ज़ामिनेशन के शुरू होने के हॉल टिकट आपके लिए रिलीज़ कर दिया जाता है। हॉल टिकट में जानकारी क्या क्या होती है, हॉल टिकट में सबसे पहले जो जानकारी होती है वो आपका नाम, आपका इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद आपका एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर कोड। बहुत ज़रूरी होता है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, आपका एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस कहाँ है और आपका एग्ज़ाम सेंटर का कोड कहाँ है। एग्ज़ाम सेंटर का कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी जितनी भी आंसर शीट्स होती है उनमें एग्ज़ाम सेंटर का कोड लिखा जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर आपके कोर्स कोड को लिखा गया है और एग्ज़ाम डेट के बारे में लिखा गया है, उसी तरीके से कुछ हॉल टिकट में भी लिखा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ये आपका कोर्स कोड है और इसका एग्ज़ाम जो है या तो इवनिंग में होने वाला है या फिर मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है। जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है वो 10 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक चलती है अगर आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो, 1 बजे तक चलती है अगर आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, तो 3 घंटे। अगर आपका इवनिंग शिफ्ट लिखा हुआ है उसका मतलब है कि आपका एग्ज़ाम 2 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक चलेगा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो ये हो गया 3 घंटे। अगर आपका 50 नंबर का एग्ज़ाम है तो वो 2 घंटे का भी होता है, यानी कि वो आपका फिर एग्ज़ाम 10 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे तक हो सकता है मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट में, तो ये होता है। लेकिन एग्ज़ाम जो होता है वो 10 बजे से शुरू होता है, जो कि हॉल टिकट में दिशा निर्देश में जारी कर दिया जाता है, जिसमें बता दिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम 10 बजे से शुरू है मॉर्निंग शिफ्ट वालों के लिए और इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए 2 बजे से। आपको एग्ज़ाम सेंटर में आधे घंटे पहले रिपोर्ट करना होता है, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट के लिए 9:30 बजे और इवनिंग शिफ्ट के लिए 1:30 पे आपको रिपोर्ट कर देना होता है अपने एग्ज़ाम सेंटर में। एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री के लिए आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास हॉल टिकट नहीं भी है लेकिन आपका पास आपका आइडेंटिटी कार्ड है और एग्ज़ाम सेंटर में आपका नाम लिखा हुआ है कि आप उस दिन एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, उस शिफ्ट में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको एंट्री मिल सकती है। लेकिन बिना आइडेंटिटी कार्ड के आपको एंट्री एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं दी जाती, तो इसलिए हॉल टिकट आप लेकर जाएँ या ना जाएँ, आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर आइडेंटिटी कार्ड अपना ज़रूर लेकर जाएँ। बहुत अच्छा होगा कि आप सब कुछ ही लेकर जाएँ, हॉल टिकट भी लेकर जाएँ और एग्ज़ाम हॉल के अंदर अपना आइडेंटिटी कार्ड भी लेकर जाए। लेकिन कम से कम आइडेंटिटी कार्ड जो होता है वो आपका मस्ट होता है इग्नू का, जिसको आपको लेकर जाना होता है। तो इस तरीके से लिखा हुआ होता है जिसमें आपकी डेट लिखी हुई होती है, सबसे पहले आपका कोर्स कोड कि आपका कोर्स कोड क्या है, उसके बाद उसकी डेट कि किस दिन एग्ज़ाम होना है और उसके बाद फिर मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है या इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है, ये सब चीज़ें जानकारी आपके हॉल टिकट में होती है। आपका हॉल टिकट अगस्त के लास्ट वीक तक जारी कर दिया जाएगा। अगस्त के लास्ट वीक में आप अपना हॉल टिकट इग्नू की ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे ही आएगा तो मैं उसकी जानकारी आपको तुरंत दूंगा। हॉल टिकट में जो जानकारियां होती हैं वो आपका नाम, आपका इनरोलमेंट नंबर, आपके एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस, आपके एग्ज़ाम सेंटर का कोड, आपके एग्ज़ाम सेंटर का नाम और उसके बाद फिर
आपका सब्जेक्ट जिनका आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी तारीख, उनका डेट, और एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है या इवनिंग शिफ्ट में होने वाला है। आपको यानी कि एक महीने का लगभग अब इंतज़ार करना है अपने एग्ज़ाम सेंटर के हॉल टिकट के लिए। जैसे ही वो आता है उसकी जानकारी मैं आपको तुरंत दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही।